13 जनवरी 2024 एमपीपीएससी का छठवां पेपर है आज, जिसमें ऐसे आने वाला है 1000 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का और एक और आने वाला है जिसमें प्रारूप लिखना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो आइए वन टू वन टॉक करते हैं कि सब एस्पिरेंट ने कैसा लिखा है। आपका नाम क्या है? अलका पाटिल। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। आप मैरिड हैं? जी, एक बेटा है, वो इस बार कॉलेज जा चुका है। अच्छा। और मैं 2017-18 से ही भैया के साथ लगी हूँ। एक बताइए, जुनून कैसे ला रहे हो आप लोग, अब तो करना ही है? हाँ, वो अंदर से ही आता है, वो बाहर से कुछ नहीं। परिस्थितियाँ होती है कि नहीं होगा ये वो, 3-4 दिन में आ ही जाती है, लेकिन होता है कि नहीं करना है, करना है। और अगला भी मेंस दे रहा है। अगला मेंस भी है जी। बोलते ना कि प्रारूप बनाना चाहिए, पहले रफ डायग्राम, आपने कैसे बनाया था उसको? हाँ, वो दिमाग में ही आ जाता है कि प्रस्तावना में कैसा लिखना है, विषय वस्तु में कैसा है और उसका उपसंहार में कैसे लिखना चाहिए, वो आ जाता है इतना 4-5 पेपर देने के दौरान। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। आप पढ़े? अनंत श्रीवास्तव। कैसा राज का पेपर? राज का पेपर सिंपल था, जो कि ऐसे पूछे गए थे, मतलब इसमें सिंपल ही ऐसे थे। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल और स्वास्थ्य, हमारी सांस्कृतिक विरासत, वे सिंपल थे। और जो छोटा ऐसे था उसमें भी सर सिंपल थे, भूकंप, संघर्ष और जीवन, ये सिंपल थे। साथ ही साथ आज का पेपर सिंपल ही था, मतलब ओवरऑल वो तो लिखना ही पड़ता है। ओवरऑल सर पूरा जीएस काम आया है दोनों ऐसे में, तो ऐसा नहीं था कि कंटेंट की कमी थी, पूरा ऐसा नहीं लगा कहीं पे ये कहीं सामाजिक या साहित्य इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो जिससे कमी आए, दिक्कत आए। ये जो 500 वर्ड्स के मैं कौन से टॉपिक से बताना चाह रहा हूं? 500 वर्ड्स में पहला था भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा था संघर्ष और जीवन, तीसरा प्रदूषण, समस्या और समाधान, चौथा था साहस बिना जीवन का क्या, जी साहस बिना जीना क्या जीना। तो इसमें शुरू के जो तीन थे, तो सर वो शुरू के दो थे वो जीएस पे पूरे डिपेंड थे, तो नॉर्मली लोगों ने वही किया होगा। सर फिलोसफिकल टॉपिक थे, जैसे साहस बिना जीना क्या जीना, पर इसके उसमें वैसे टॉपिक थे जो अपन जीएस से अपन कर सकते हैं, तो लोगों ने वो नहीं किया होगा जितना है। अच्छा। यस सर। ओवरऑल टाइम तो कम तो नहीं पड़ा था आपको? नहीं सर, इधर जो प्रारूप लेखन जो होते हैं इसमें छोटे छोटे वाले प्रारूप आ गए थे, मतलब एक रिपोर्ट थी, साथ ही साथ मतलब अधिसूचना वाला था जो कम शब्दों में लिखा जा सकता है, तो इस वजह से सर पर्याप्त टाइम था, आराम से लिखा गया, पूरा आराम से हो गया। यस सर। चलो बेस्ट ऑफ लक, आज पेपर खत्म। थैंक यू सर। रिलैक्स करनी है आज। कौन सी वेब सीरीज देखेगा? मैं सोच रहा हूँ जो अभी आई हुई है ना, मनोज अपने वर्सेस, नहीं अभी जो मूवी आई थी, जो कौन सी, 12th Fail, 12th Fail, वो मैं देखूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हम क्या है? मनीषा कनारे। आप कौन? रिंगू रावत। कहाँ से आप? सर मैं यही इंदौर में अभी रह रही हूँ, लेकिन मैं ब्रांडपुर से हूँ। आप? सर मैं मंडलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन। तो आज का जब आप लोगों ने पेपर देखा तो कैसा लगा ओवरऑल? ओवरऑल अच्छा पेपर था सर, मतलब लास्ट के जो तीन पेपर थे, एथिक्स, हिंदी और निबंध, आज तीनों पेपर बहुत अच्छे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अच्छा। तो और आज का पेपर जो, अब इस पे बात करें अपन, तो जो टॉपिक्स आए थे वो जनरली पता रहता है कि ये बड़े बड़े थीम्स थे, तो आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया था? सर अंतरिक्ष का ये तो पता था कि इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग गया था कि अंतरिक्ष से रिलेटेड आएगा, तो उसको हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। देन करंट के टॉपिक में देखें तो सोचा था कि हाँ जैसे इसराइल फिलिस्तीन युद्ध वैसे आया भी है, संघर्ष और जीवन पे उसी के परस्पेक्ट पर, तो हमने ये पहले से ही हर चीज प्रिपेयर करके रखी थी और वो आए भी कहीं ना कहीं। अच्छा, ये संघर्ष और जीवन में इसमें कहीं गांधी वगैरह का कोट कर सकते थे, उनकी विचारधारा भी लागू हो सकती है? बिल्कुल लागू हो सकती है, बट हमने उसमें एक निबंध था प्रदूषण का की समस्या और उसका समाधान, तो वो हमने बहुत अच्छे से किया। हाँ। और आपका कैसा? सर मेरा भी अच्छा था, मैंने जो सांस्कृतिक विरासत है ना, वर्तमान में जो हमारे भारत में जो सांस्कृतिक को बढ़ावा दिया है उसके बारे में लिखा मैंने, जो भी वर्तमान में होयसल मंदिर वगैरह, रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व भारती विश्वविद्यालय को भी शामिल किया है, उनके बारे में लिखा है। जो 500 वर्ड्स का था उसमें कौन सा चूज किया था अपने टॉपिक? सर मैंने उसमें प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण, हाँ, जो वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही है प्रदूषण को लेकर, तो वो हमने उसमें कन्वेंस किया। और जो लेटर राइटिंग में उसमें क्या क्या चूज किया था आप लोगों ने? लेटर राइटिंग में मैंने परिपत्र और अधिसूचना। और आपने? सर मैंने भी परिपत्र किया था। परिपत्र इजी रहता है, मतलब उसमें बस यही है कि आपको जिसके बारे में दिया है उसी के बारे में बोलना है, जैसे राज्य सरकार के बारे में था तो राज्य सरकार के परस्पेक्ट में हमको जिला खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के बारे में लिखना था, तो अच्छा था निबंध, तो कोई दिक्कत नहीं, लेटर भी कोई दिक्कत नहीं, आज का पेपर ओवरऑल अच्छा। टाइम तो कम नहीं पड़ा? नहीं सर, थोड़ा बहुत टाइम कम पड़ रहा था उसमें से। हाँ मैनेज हो गया था लास्ट?
लास्ट तक मैनेज हो गया था। चलो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से? इंदौर से। तो आज का पेपर लिखने में हाथ थोड़ा दर्द तो नहीं कर रहे? दर्द तो 5 दिनों से ही कर रहा है, वो तो कंटिन्यू चला, लेकिन आज का पेपर तो और छोटा था कंपेयर टू अदर पेपर्स, तो हो गया था, अच्छा हो गया। टाइम मैनेजमेंट हो गया था? हाँ, टाइम मैनेजमेंट मैं घर से ही कर आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने करा और पूरा प्रॉपर पेपर हो गया उसके अकॉर्डिंग। पेपर में जैसे टॉपिक्स आए थे कोई? जैसे मुझे पता था कि चंद्रयान 3 इस बार गया था तो सूचना प्रौद्योगिकी से अंतरिक्ष से बिल्कुल आना ही है, और पर्यावरण प्रदूषण तो एक नॉर्मल सा पैट क्वेश्चन सही सही, तो फिर मैंने पर्यावरण प्रदूषण वाला करा और खेल एवं स्वास्थ्य वाला करा इसमें क्वेश्चंस। अच्छा। हाँ, इसमें कोटेशंस वगैरह का भी यूज करा ताकि थोड़ा सा इफेक्टिव रहे मेरा ऐसे। ऐसे को एनरिच करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, वो कैसे पढ़ा था उसको? मैंने जो एक दृष्टि की बुक आती है उसको पढ़ा था, और दृष्टि की बुक में मैंने जो है कोटेशंस जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने 5 पेपर अगर अच्छे से पढ़े तो आप इस पेपर में वो सारी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे है। मैंने केवल कोटेशंस पढ़े थे कल, और कोटेशंस पढ़े और प्रतिवेदन पढ़े और ये सारी चीजें पढ़ी और बन गया पेपर। करंट के कुछ इनपुट्स डाले थे अपनी, कुछ इवेंट्स का मेंशन? करंट्स का इनपुट जैसे मैंने डाला था कि अभी भारत को जो है, मैंने खेल और स्वास्थ्य में लिखा था कि भारत को जो है डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है विश्व में, क्योंकि यहाँ पे 75 मिलियन से लगभग ज्यादा लोग जो है डायबिटीज का शिकार है, तो एक ये मैंने कोटेशंस इसमें डाला था। खेल और स्वास्थ्य से मैंने जो प्रमुख योजनाएं जो चला रही है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार, उनको डाला, और प्रमुख वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार के खेलों का आयोजन होता है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और इन सभी को मैंने जिक्र किया। और ये लेटर राइटिंग लास्ट वाला टॉपिक जो था, इससे कैसा आया थोड़ा सा? लेटर राइटिंग में उन्होंने पूछा था, एक प्रतिवेदन पूछा था जो प्रचारक समिति हिंदी द्वारा करवाया गया था, तो मैंने प्रतिवेदन करा क्योंकि लगभग 3 पेज थे, अधिसूचना को केवल 1 पेज में किया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता उसका कि यार कम लिखा है, क्योंकि 250 शब्दों में लिखना था, तो फिर इस कारण से मैंने जो है प्रतिवेदन करा और उसे लगभग 3 पेज में। इस टॉपिक पे आया था प्रतिवेदन? प्रतिवेदन आया था दिनकर जयंती पे, तो फिर मैंने उसको जो है किस तरीके से कार्यक्रम जो होता है कि पहले अतिथियों का आगमन होता है, फिर गणेश वंदना, फिर सरस्वती स्तुति, फिर जो है उनका सम्मान, एक एक का परिचय, और फिर दिनकर जयंती से संबंधित नाटकों का फिर मैंने जिक्र करा अपने प्रतिवेदन में। इसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस करके आए थे पहले? नहीं, मैं राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करके नहीं आया था, मैं ऐसे ही बस लिख दिया। ऐसे लिख दिया? हाँ। तो आज आप रिलैक्स करेंगे फिर? नहीं, रिलैक्स नहीं करूँ, एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो भी जाके बच्चों को पढ़ाना है मुझे। चलो भाई, आज थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात मिल बात। थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने निबंध में अच्छे विषय दिए थे और लेटर जो पूछे थे उन्होंने वो भी अच्छे थे। ऐसे का पेपर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स चूज किए थे, 100, 1000 वर्ड्स में और 500 वर्ड्स में? 1000 वर्ड्स में हमने अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, जो वर्तमान प्रौद्योगिकी में हमारी जो विकास है, जो जो सैटेलाइट हमारे लॉन्च हो रहे हैं और भी अलग अलग चीज़ें जो है उसके बारे में हमने विस्तार से बताया और अच्छा सा लिखने का प्रयास किया, ताकि हमने जो जो पढ़ा था हमारी जर्नी के दौरान वो हमने पूरा अच्छा सा समराइज करके लिखने की कोशिश की। अब देखो, सब लोग भूकंप के ऊपर लिख रहे थे, आपने थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक चूज किया है, संघर्ष और जीवन, इस पे आपने कैसे प्रारूप बनाया था? और जीवन पे प्रारूप हमारा विभिन्न जो हमारे सिलेबस के अंदर जो व्यक्तित्व हैं उनको ध्यान में रख के हमने चूज किया कि कहीं ना कहीं इनका जो पढ़ा हमने वो कहीं ना कहीं बखान किया जाए, जैसे महात्मा गांधी जी है और अम्बेडकर साहब हैं, इन्होंने अपने जीवन में, और भी हमारे दूसरे जो हैं जैसे गौतम बुद्ध है ना, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या जप किया, क्या क्या, तब जाके उनको अपने जीवन में कैवल्य या जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका आज हमें इतिहास में वर्णन मिलता है। तो संघर्ष की कहानी और दूसरे भी संघर्ष, जैसे हमें भौगोलिक संघर्ष जो है, बाढ़, सूखा, सुनामी, इसका संघर्ष कैसे किया जाए और कैसे हमारे देश को सामरिक दृष्टि से स्वतंत्र रखा जाए, शत्रु देशों से उसकी रक्षा की जाए, तो जीवन में अगर मनुष्य है तो संघर्ष है और संघर्षशील व्यक्ति ही आगे जीवन में बढ़ता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा विभिन्न बुकों में हमें पढ़ने को मिलता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि संघर्ष को आपने एक तो एक एंगल हो गया हिस्ट्री से कनेक्ट किया आपने, फिलोसफी के बुद्ध से भी कनेक्ट कर दिया आपने, दूसरा एंगल ज्योग्राफी हो गया, अब इसको पॉलिटी और इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट किया आपने? पॉलिटी और इकोनॉमी में हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है अन्य देशों के ऊपर, उसमें हमने कैसे क्या 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 हमारे सामरिक महत्व रख सकें, क्या क्या हमारे जो रक्षा सूत्र हैं, किन किन देशों से हमारे समझौते किए जाएं, ताकि हम संघर्षशील बने रहें, ताकि हमें वैश्विक स्तर पर हमें जाना जाए कि नहीं, ये जो देश है पूरी तरह से सामरिक दृष्टि से सुरक्षित है और अपने जीव व्यक्तित्व को बनाए रखेगा। इस प्रकार से हमने सारे पहलुओं को जोड़कर आखिरी में समराइज करके उद्देश्य बता दिया कि आखिरी में क्या है इसका संघर्ष। और लेटर राइटिंग में कैसा रहा? लेटर राइटिंग बहुत शानदार पूछा उन्होंने, परिपत्र पूछा, उसके बाद आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था? मैंने परिपत्र पहले वाले प्रश्न में परिपत्र अच्छा सा सर्कुलर अच्छा सा लिखा बनाकर, बढ़िया से उसका फॉर्मेट वगैरह जो हमने प्रैक्टिस की थी
उसको बढ़िया से लिखा, और दूसरे में हमने जो है हिंदी प्रचार समिति के ऊपर एक प्रतिवेदन तैयार करना था, जो एक जांच समिति बनाकर बढ़िया से उसके पहलू निर्धारित करके सुझाव देके कमेटी के द्वारा क्या क्या प्रतिवेदन एक तैयार किया जा सकता है अच्छी उसकी जयंती के ऊपर, वो हमने बना के समराइज किया। शानदार लगा आपसे मिलकर। अब कब मुलाकात होगी आपसे? अब सर नेक्स्ट उसमें होगी जब इंटरव्यू मिलेंगे। इंटरव्यू में भी मिल सकते हैं, अब देखो क्या होता है। इतना अच्छा पेपर तो देख के ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अगले मेंस में तो मुलाकात होगी होगी, बिल्कुल जरूर होगी। और अब आज घर जाके आप थोड़ा सा पेपर खत्म होगा, रिलैक्स क्या करेंगे आप? रिलैक्स क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक दो दिन थोड़ा सा दोस्तों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद में और वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब नहीं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? रीवा जिले से। कैसा आज का पेपर आपका? आज का ठीक रहा पेपर। तो चीज़ों को अपने एक प्रारूप कैसे बनाया था? प्रारूप पहले हमने पीछे चालू किया था, तो जो अधिसूचना थी उसको किया पहले, फिर अनुस्मारक किया, उसके बाद छोटा वाला निबंध किया, उसके बाद जो बड़ा वाला निबंध है उसको किया। तो उसमें हमने प्रदूषण वाला टॉपिक लिया, और बड़े वाले में हमने सांस्कृतिक विरासत टॉपिक लिया। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। चलो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इस तरह से MBPSC मेंस का आज लास्ट पेपर हो गया, जिसमें ऐसे पूछा गया था। तो सारे एस्पिरेंट्स जो बता रहे हैं कि ओवरऑल ऐसे अच्छा था, कुछ फिलोसफिकल टॉपिक से भी आए हैं, कुछ करंट टॉपिक से भी ऐसे आए हैं, और ओवरऑल उनका अच्छा रहा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि टॉपिक तो सबके लिए सेम था, लेकिन जो कंटेंट अच्छा देगा उसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं ना, 6-7 दिन तक हम लोगों ने जब यहाँ पर डेली आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ईमानदारी से मैं बताऊँ कि कनेक्ट फील हुआ कि नहीं नहीं यार, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आ रहा है। तो ये अच्छा लगता है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, और अन्य टॉपिक्स पे जो आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। और आप जो भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, उसको वैसा कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, जाके वहाँ पर चेकआउट कीजिए, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और हमेशा हमसे कनेक्ट रहिए। आप वहाँ पर भी सीधे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। और बने रहिए दीपेंद्र सिंह के साथ। नमस्कार।